तमाम तरह के ऐप और मिशन चलाने के बावजूद सीतापुर में बेसिक शिक्षा की व्यवस्था पटरी पर नहीं आ रही है। शिक्षा के मंदिरों में कहीं गुरुजनों की मनमानी तो कहीं वहां पढ़ने वाले बच्चों की मजबूरी और बेबसी नजर आती है। ऐसा ही एक मामला सीतापुर जिले के परसिंडी ब्लॉक स्थित प्राथमिक विद्यालय कोरैया सरावा का सामने आया है। यहां से आई तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही कि इंचार्ज प्रधानाध्यापक संदीप कश्यप लाठी लेकर खड़े होकर मासूम बच्चों से झाड़ू पोछा लगवा रहे हैं। जाहिर है इन तस्वीरों को योगी सरकार की मंशा के अनुरूप कतई नहीं माना जा सकता है। इतना ही नहीं, प्राथमिक विद्यालय में प्रार्थना का समय प्रातः 9 बजे तय है, जबकि इस विद्यालय में 9:40 बजे मास्टर साहब खड़े होकर झाड़ू लगवा रहे थे। गड़बड़ी यहीं तक सीमित नहीं है, इस विद्यालय को गुरुजनों की गैरहाजिरी का भी रोग लगा होना सामने आया है। इंचार्ज प्रधानाध्यापक संदीप कश्यप ने बताया कि शिक्षक मेडिकल पर हैं, जबकि 4 शिक्षिकाएं संगीता रानी, सीता वर्मा, पूनम और प्रभा तब तक स्कूल नहीं पहुंची थी। आइए आप भी सुनिए इंचार्ज प्रधानाध्यापक संदीप कश्यप ने क्या कहा। टाइम लगा लो सब लोग। सर क्या टाइम हुआ है अभी? अभी हुआ है 9:40। सर ये आपके वहाँ जो प्रेयर का टाइम हो कितने बजे का है? आप कौन से चैनल से हैं? सर जो बोल रहा हूँ बता दीजिए, चैनल बता देंगे हम, आपसे जो पूछ रहे हो बता दीजिए। भैया टाइम तो 9 बजे का ही है। तो सर ये इतना लेट क्यों हो रहा है? वो थोड़ा काम करने में लग गया। नहीं तो टाइम आपका स्टाफ वहाँ पे अच्छा कितना है? आप लोग आप कितने लोग यहाँ पे पढ़ाते हैं, कितने टीचर हैं? 6 लोग हो आप भी? आप अकेले आए? आपका क्या नाम होगा? संदीप कुछ। आप ही बताना चाह रहे हैं आके? इंचार्ज। तो बाकी लोग डेली इतने टाइम आते होंगे? नहीं, सही समय आते हैं, किसी के साथ कुछ हो सकता है। तो सर 6 में आप ही केवल 5 लोग आए, कहाँ गायब रह जाते हैं? एक मेडिकल पर है। चलो 4 लोग कहाँ रहे? आ रहे होंगे। सर क्लास शुरू होने का क्या टाइम होता है? 9:15 तक हो जाती है। तो सर 9:40 हो गया, बच्चों के भविष्य के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है, क्या कहेंगे इस पर? कह नहीं सकते, कभी कभार हो जाता है ऐसे। सर हमको लगता है हमारा आना जाना चुका, हम तो देखते हैं हमेशा ही सही होता है यहाँ पे। इनसे पूछ लीजिए, रसोईया भी होंगे, बच्चों से पूछो, मेरे से क्या पूछो, बच्चों से तो पूछो एक दफा। सर हाँ भाई बताओ, बच्चों से पूछ लेंगे। आप बताइए पहले, बच्चों से पूछ नहीं रहे, हमसे पूछ रहे हैं। साहब टाइम से आते हैं। सर तो खड़े हैं। हाँ सर अटेंडेंस लग गई आप लोग? लग जाएगी भैया, क्यों परेशान हो रहे हैं? जाहिर है ये तस्वीरें बेसिक शिक्षा के मंदिरों पर सवाल जरूर खड़ी करती हैं। अगर उनका प्रशासन चाक चौबंद है तो फिर शिक्षा ग्रहण करने आए बच्चों को कौन और कैसे झाड़ू पोछा लगाने पर मजबूर कर रहा है? खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।